की पुण्यतिथि पर कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया, जिसमें सरकारी अस्पताल के सभी डॉक्टरों व कर्मचारियों को कुष्ठ उन्मूलन की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश कुमार ने समाचार एक्सप्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं कुष्ठ रोगियों की पहचान व उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें कुष्ठ रोगियों से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए। साथ ही सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोगियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा है, उनको सलाह देनी चाहिए कि वे सरकारी अस्पताल में आकर कुष्ठ रोग संबंधी जानकारी प्राप्त करें और दवा भी लें। उन्होंने कहा कि आज सभी डॉक्टरों को शपथ दिलाई गई है कि वह कुष्ठ उन्मूलन अभियान में अपनी भागीदारी निभाते हुए कुष्ठ रोगियों की सेवा एवं सहायता में अपना बहुमूल्य योगदान दें। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अभी समय देर के समाचार एक्सप्रेस में आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में। कुष्ठ रोग एक अभिशाप नहीं है, कुष्ठ के विरुद्ध हमारा ये आखिरी युद्ध है। कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहल की गई है बड़ी सराहनीय है। आज मेरे साथ इस समय सिविल सर्जन कार्यालय में पूरे स्टाफ को एक शपथ दिलाई गई है, उनको यह कहा गया है कुष्ठ रोगियों के साथ किसी भी तरह से जो सोशल स्टिग्मा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कुष्ठ रोगियों के साथ कुछ लोग भेदभाव करते हैं, उनके साथ हीन भावना से पेश आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। हम ये जानना चाहते हैं कि आज की जो शपथ ग्रहण समारोह है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए जो 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसके लिए ये कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाई भी जाती है। और ये शपथ ग्रहण समारोह जो हमने आज किया है, बेसिक मकसद इसका यह है कि IEC एक्टिविटी करना हमारे सभी न केवल हेल्थ वर्कर्स के, बल्कि वो आगे जाके अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में और सोसाइटी में ये मैसेज दे सके कि कुष्ठ रोग एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है और जितनी जल्दी हम इसको पकड़ सकते हैं, जितनी जल्दी हम डायग्नोस कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी हम इसके इलाज भी कर सकते हैं। इलाज संभव है केवल, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी जो रोगी है इससे उसके साथ किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव की नहीं होना चाहिए। तो इसी के उपलक्ष में ये IEC एक्टिविटी के रूप में और ये हमारा आज जो हमारा समारोह था। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी मैसेज देना है कि जो अगला हमारा ये पखवाड़ा है, इस पे हम मना रहे हैं, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में और सोसाइटी में ये इसके बारे में जो है IEC एक्टिविटी करी जाएगी। सर, अगर हम के सिम्टम्स की बात करें तो इसके मुख्य सिम्टम्स क्या हैं? तो इसे बैक्टीरियल डिजीज़ है, जब इसे स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया और जो आने में वक्त भी लगता है। मेन सिम्टम्स इसके ये हैं, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस स्किन के ऊपर आते हैं और उसमें वो अगर हम उसको टच करें तो जो टच सेंसेशन है जो उसकी या जिस वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसके अतिरिक्त ये नर्व्स को भी प्रभावित करता है। तो जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोस करके इसका इलाज कर सकते हैं तो इलाज संभव है, लेकिन अगर डिले करेंगे तो इसमें डिफॉर्मिटीज़ बनने का खतरा रहता है। सर, अगर हम करनाल ज़िले की बात करें, करनाल ज़िले में इस समय मौजूदा समय में ऐसे कितने पेशेंट होंगे जो कि इस बीमारी से पीड़ित होंगे? 10 मरीजों इस समय हमारे यहाँ करनाल में 10 मरीजों का इलाज चल रहा है और वो पूरी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इस साल हमने अप्रैल 2020 से अब तक 5 केसेज हमारे नोटिफाई हुए हैं। मैम, जो इसका ट्रीटमेंट है वो निशुल्क है? हाँ, निशुल्क। इसकी जांच और ट्रीटमेंट बिल्कुल निशुल्क है। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी होती है और इसका इलाज 6 महीने से 12 महीने तक चलता है। सर, अब आपसे आखिरी सवाल, आप ऐसे मरीजों के लिए समाज से क्या अपील करना चाहें, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ऐसे मरीजों को हीन भावना से देखा जाता है? ये जो आज हमने शपथ समारोह किया है, इसका मेन मकसद ही ये है कि जो भी ऐसे पेशेंट हों उनके साथ किसी प्रकार की भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी एक पर्टिकुलर डिजीज से पीड़ित है और उसका इलाज संभव है, तो इसलिए हमें किसी प्रकार का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और इसी की अवेयरनेस के तहत ये सारी हम आज की एक्टिविटी हम कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, ये थे मेरे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा और डिप्टी CMO
डॉक्टर सिमी, जिन्होंने हमें कुष्ठ रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेजेस के अंदर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ चलाई जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा इस बीमारी के प्रति। और यह भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे रोगी को सामने लेकर आता है कि जिस पर ऐसे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, तो उसे सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है। इसलिए हम समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि जो भी व्यक्ति यदि वह कुछ रोगी है तो उसके साथ हीन भावना से पेश न आए, उनके साथ ऐसा कोई भेदभाव न करें। जैसा कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में बताया कि उनके साथ कोई भेदभाव न है, इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज का यह समारोह किया गया था। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।